अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ मजेदार सॉफ्ट एंड जूसी चिकन के कबाब। ये बहुत ही चटकारा और बहुत ही चटपटे बनते हैं, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, मैंने यहाँ पे 300 ग्राम जो है चिकन का कीमा ले लिया है। इसे अच्छे से वॉश करके इसका पानी बिल्कुल मैंने जो है निकाल लिया था। और इसमें कुछ स्पाइसेस हम ऐड करेंगे। सबसे पहले देखिए, मैंने यहाँ पे लिया है हाफ टेबल स्पून जो है मैंने अदरक का पाउडर लिया है, और हाफ टेबल स्पून मैंने लिया है लहसुन का पाउडर। अगर आपके पास नहीं है तो 1 टेबल स्पून आप अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो ऐड कर सकते हैं, जिंजर गार्लिक पेस्ट। हाफ टी स्पून मैंने यहाँ पे लिया है जीरा, हाफ टी स्पून मैंने यहाँ लिया है काली मिर्च का पाउडर, हाफ टी स्पून मैंने लिया है व्हाइट मिर्चों का पाउडर, हाफ टी स्पून मैंने लिया है चाट मसाले का पाउडर, 1 टीस्पून मैंने लिया है गरम मसाला पाउडर, और थोड़ा सा मैंने देखिए मूठा भर के यहाँ पे लिया है कोथमी कोरिएंडर, 1 मैंने लिया है मैगी क्यूब, चिकन का मैगी क्यूब, और सॉल्ट एज पर टेस्ट। देखिए हमने इसमें जो है सारे मसाले ऐड कर देना है। देखिए चिकन क्यूब जो होता है वो बहुत सॉल्टी होता है, उसमें बहुत नमक होता है, तो आप नमक जो है ध्यान से ऐड करिएगा, क्योंकि चिकन क्यूब में बहुत ज्यादा नमक होता है। ये सब ऐड करने के बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 3 ब्रेड को जो है मिक्सर में, जो मैंने पीस लिया है अच्छे से बारीक, अब मैं इसे इसमें ऐड कर रही हूँ। 300 ग्राम्स में जो तीन है ब्रेड के स्लाइसेस हमें पीस के ऐड करना है। उसी के साथ मैंने देखिए कुछ हरी मिर्चों को, 4 से 5 हरी मिर्चों को दरदरा मिक्सी में पीस लिया था। आप अपने टेस्ट के हिसाब से मिर्चों को कम ज्यादा कर सकते हैं, क्योंकि हमने व्हाइट मिर्च पाउडर भी ऐड किया है और काली मिर्चों का पाउडर भी ऐड किया है। मैंने यहाँ पे अपने हाथ को जो अच्छे से वॉश कर लिया है। देखिए मैगी क्यूब भी आसानी से हमारा जो है फूट जाता है। अब इन सबको अच्छे से हाथों का यूज करके हमें मिक्स कर लेना है। बहुत ही इजी है, झटपट बन जाते हैं हमारे ये कबाब। यहाँ पे देखिए कबाब का जो हमारा मिक्सचर है वो रेडी हो गया है। एक मैंने पोर्शन ले लिया है और साइड पे देखिए मैंने ब्रेड क्रम्स लिए है। अब इस पोर्शन को इस तरीके से हाथ के यूज करके गोल गोल हमें बनाना है। उसके बाद हमें इसे जो है ब्रेड पे रख के और इसे ब्रेड के ऊपर ही, ब्रेड क्रम्स के ऊपर ही प्रेस करना है इस तरीके से। देखिए एकदम पतले पतले कबाब हमें बनाना, क्योंकि ये कच्चे हैं और ऊपर से हमें इसमें अंडे की कोटिंग करना है। इसके लिए कबाब हमारे एकदम पतले पतले होना चाहिए ताकि अंदर से कच्चे ना रहे। देखिए रेडी हो गया है बिल्कुल, बाइंडिंग देखिए कितने अच्छे से इसकी हो चुकी है। अब मैं इसे फ्राई कर लूंगी। देखिए यहाँ पे मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है, और यहाँ पे मैंने एक अंडे में थोड़ा सा नमक ऐड करके इसे अच्छे से फेंट लिया है। देखिए इस तरीके से कबाब को जो है अंडे में डिप करना है हमें। बहुत ही जल्दी और आसान बनने वाली ये रेसिपी है और बहुत ही मजे की बनती है। आप चाहे तो जो मिक्सचर का जो कीमा है, कीमे का जो मिक्सचर है सॉरी, उसके अंदर भी आप अंडा ऐड कर सकते हैं। आप मेरे इंस्टा आईडी को फॉलो कीजिए और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। अब सारे कबाब मैं ऐड कर लेती हूँ। देखिए कितने अच्छे से मेरे कबाब यहाँ पे कुक हो रहे हैं। पहले एक साइड से हम कुक करेंगे, फिर उसे पलटेंगे। 5 से 7 मिनट लगा था एक साइड में कुक होने के लिए, क्योंकि कीमा हमारा कच्चा है, इसके लिए अच्छे से हमें इसे कुक करना है। 300 ग्राम्स में तकरीबन मेरे 10 कबाब जो है बनके वो रेडी हुए थे। देखिए और बड़े बड़े कबाब है ये, आप जो है बर्गर बन के अंदर भी इसे डाल के खा सकते हैं, रोटी के साथ, नान के साथ, दाल चावल के साथ। बहुत ही मजेदार ये कबाब बनके हमारे रेडी होते हैं। देखिए दूसरे साइड से भी हम पकने देते हैं। बिल्कुल कलर आ चुका है जैसा हमें चाहिए, हमारे कबाब अंदर से भी कुक हो गए हैं। अब मैं आपको मिलती हूँ सर्व करने के बाद। देखिए रेडी है हमारे मजेदार चिकन के सॉफ्ट एंड जूसी चटकारे चटपटे कबाब। मैंने इसे चटनी के साथ और सैलेड के साथ सर्व किया है। बहुत ही मजे का लग रहा था, जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा आपको लगा कैसे। अगर आपको मेरे चिकन कबाब की रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कीजिएगा, उससे आने वाली सबसे पहले रेसिपी आपको मिलेगी। आप मेरे चैनल को, मेरी रेसिपीज को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में फॉरवर्ड कीजिए और मेरे चैनल को अप्रिशिएट कीजिए, मेरी रेसिपी को अप्रिशिएट किए। चलिए चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़।